नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यूपेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि IBACIO 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, जो टीयर वन का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है, तो इसका जो ट्रेंड है वो आप अभी रिसेंटली आईबी ने आईबी एसए और एमटीएस का एग्जाम कराया था, ठीक है, तो उसकी आंसर की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आई उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। तो आईबी एसए और एमटीएस का जो एग्जाम था वो 20 दिसंबर को हुआ था और इसकी जो आंसर की थी वो 26 दिसंबर को आपकी आ गई थी, ठीक है। यानी कि आंसर की आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ गई थी, तो इतना ही टाइम आपका यहाँ भी लगने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो था वो 17 और 18 जनवरी को हुआ है, ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 24 जनवरी तक आपको आंसर की किसी भी कंडीशन में देखने को मिल जाएगी, यानी कि 24 जनवरी तक आपकी आंसर की आ जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका पेपर कैसा हुआ सभी शिफ्ट का डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे बहुत जल्द हम करने वाले हैं। उसके अलावा सेफ स्कोर क्या रह सकता है ताकि आपको टीयर टू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। तो आंसर की जो है वो आपकी 24 जनवरी तक आ सकती है। अब बात करें कि रिजल्ट जो है वो आपका कब तक आ सकता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आईबी में जो आपके टीयर वन का रिजल्ट है उसे आने में टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद जैसे टीयर टू का एग्ज़ाम है वो बहुत फास्ट होगा, जो टाइम लगेगा वो टीयर वन के रिजल्ट में ही लगेगा, ठीक है। बाकी उसके बाद टीयर टू का जो एग्ज़ाम है वो बहुत फास्ट होगा और उसके बाद जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, यानी कि टीयर वन में मोस्टली यहाँ पे टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आईबी एसए और एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 20 दिसंबर को उसका ही रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आईबी एसए और एमटीएस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, आईबी एसए और एमटीएस का जो रिजल्ट है वो उम्मीद है कि 15 फरवरी यानी कि मिड फरवरी तक ये जो रिजल्ट है वो आपका आईबी एसए और एमटीएस का आ जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है वो इसके बाद आएगा, यानी कि आप ये उम्मीद कर सकते हो कि फरवरी लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है, फरवरी लास्ट तक जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, इससे पहले आने की संभावना नहीं है। आप ये मान के चलो कि 45 दिन तो रिजल्ट आने में लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये संभावना है कि मिड फरवरी तक आपका आईबी एसए और एमटीएस का रिजल्ट आ जाएगा और फिर फरवरी लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। उसके बाद टीयर टू में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टीयर टू बहुत जल्द होगा। तो जिन भी बच्चों का अभी मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, सेफ स्कोर कितना क्या बन सकता है, तो अभी से अगर आप उस स्कोर तक पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको टीयर टू की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आंसर की जो है आपकी वो कब तक आ सकती है, तो आंसर की में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी 24 जनवरी से पहले ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम टीयर वन के रिजल्ट की बात करें तो टीयर वन का जो रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक आपका आ सकता है, ठीक है। आपका पहले आई बी एस ए और एम टी एस का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।